मंत्री साहब तुम बस खाद की तो वीडियो मांग की है कि सू खाद का प्रोपर पहुँच की जाए नहीं तो सस्पेंड करते हो तो असी डेढ़ दो महीने पहला मीटिंग की थी सारे वर्कर की ड्यूटी लाई सी वर्कर की कहने सारे अफसर की सब की ड्यूटी लाई ही कि भी तुम ख्याल रखना मेहनत करनी बलजीत सिंह नमाड़े वाला जी मंत्री साहब ने यही कहा भी तुम्हें 24 घंटे पेमेंट हो जाऊ फसल 12 घंटे चकी जाऊगी तो फसल बड़ा वधिया काम चल रहा बहुत वधिया ढंग नाल चल रहा है परेशानी तो नहीं आ रही मंडी कोई किसी तरह की हद तक परेशानी नहीं मंडी दे विच बड़ा वधिया चल रहा कदों तुसीं इत्थों लैके आए इस फसल अपनी मैनू तकरीबन मैं अज ही सवेरे लैके आया फसल तो हूँ मेरा उन्होंने पखा ला के फसल तलाई की स्टार्ट है काम मंत्री साहब नूं बस खाद की तो वीडियो मांग की है भी सानू खाद का प्रोपर पहुँच ही की जाए सानू खाद की प्रॉब्लम है अग बारे कोई जिम्मेदार जानबूझ के अग नहीं लाता पिया उहदियां प्रॉब्लम ने उहदियां प्रॉब्लम है कई जिम्मेदारां दी ऐतकी सबसिडियां कैंसल हुई ने खुद मेरी भी सबसिडी कैंसल हुई है जिहदे करके वह प्रॉब्लम आ रही है होर कोई प्रॉब्लम नहीं अगले साल हो सकता अग होर घट जाऊगी अपने मानयोग मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी हिदायतों से पंजाब दी सारी मंडियां जा रहे क्योंकि खेतीबाड़ी महकमा मेरे को साड़ी ड्यूटी लाई है कि ख्याल रखो कि किसी किसान नू कि आड़ती नू कि लेबर वाले नू कि ट्रांसपोर्ट वाले नू मंडी दे विच कोई प्रॉब्लम ना हो सो उहदे करके मैं आया सीगा पहला लुधियाणे सीगे ते दस्सिया जी तुहाडे सामने बहुत वधिया प्रबंध चल रहा पंजाब दे इतिहास पहली बार 12 घंटे किसान फसल बेच के अपने घर चल जाता 24 घंटे पैसे पै जाते 48 घंटे लिफ्टिंग हो जाती मतलब ये वन वधिया जिहड़ा मान साहब की सरकार के प्रबंध वो बहुत वधिया चल रहा और इत्थे भी वधिया सस्पेंड करते हो तो असीं डेढ़ दो महीने पहला मीटिंग की थी सारे वर्कर की ड्यूटी लाई सी वर्कर की कहने सारे अफसर की सब की ड्यूटी लाई ही कि भी तुम ख्याल रखना मेहनत करनी है तो कल जोड़े मतलब सानू अही कंट्रोल रूम बनाया सैटेलाइट के राही जोड़ा सानू जिते लगे कि इस ब्लाक के अच्छ ज्यादा अग है असी फील किया कि इतने साढ़े बंद ने कम सही नहीं किया लोगों सही जोड़ा उन्होंने जागृत नहीं बार बार जागरूक करती है किसानों को पराली ना जलाओ पर फिर भी जो किसान ने कहने साड़ी जो लोड़वंद होंगी जरूरत ने वो सरकार पूरी नहीं करती तो अभी पराली किमें ना दोगे सर जी तुम पता ऐतका कि बल लैवल जोड़ा घट गया वो इस करके कटिया जे अं मशीन दतिया प्रचार किया लोगों समझाया आप जो आए हैं पहली बार अपनी सरकार बनी सरकार से कि आर्थिक संकट है वो बावजूद भी किसानों लिए जो कुछ कर रहे हैं वो तुहाडे सामने तुसी मंडियां दे विच असी कोशिश की पर पराली तो क्योंकि सेंटर बनिया नहीं अभी तो चाहते हैं कि 2500 रुपया एकड़ दे दिए केंद्र ने ना करती पर कोई गल नहीं अगले साल यही पराली की समस्या जी असी मतलब जे ऐतक 50% ठीक होगी तो अगली समय लो 85% ठीक हो जूगी एक साल के कई पराली के जूट वगैरह असी ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਜੀਰੀ ਬਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬੀਜ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੀਜ ਨਕਲੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਊਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਪਰ ਸਮਰਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਨੂੰ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੇ ਚਾਈਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਹਦੀ ਗੋਦਾਵਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹਦੀ ਕਰਾਈ ਹੈ ਗੋਦਾਵਰੀ ਪਰ ਸਰ ਹੱਲੇ ਵੀ ਅੱਧੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਜੇ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਈ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਆਂਗੇ।